हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेपर क्रम्पलिंग एक्टिविटी से ट्रैफिक लाइट्स को कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक वाइट शीट, रेक्टेंगुलर ब्लैक शीट, एक और ब्लैक शीट का पीस लेंगे हम जो कि छोटा होगा, उसका शेप भी रेक्टेंगुलर होगा, और इसे हम फेविकॉल अप्लाई करके वाइट शीट पर स्टिक कर देंगे। इसी तरह से छोटे वाले पीस पे भी फेविकॉल अप्लाई करना है और उसे स्टिक करना है। ये इसका पोल बन गया है ट्रैफिक लाइट का। अब हम तीन सर्कल्स बनाएंगे किसी भी सर्कल शेप्ड ऑब्जेक्ट की मदद से। यहाँ पे मैं एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे तीन सर्कल्स बन चुके हैं। अब ये मैंने लिए हैं काइट पेपर्स जो कि रेड, येलो एंड ग्रीन कलर के हैं। इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब मैं इन्हें क्रम्पल कर रही हूँ अपने फिंगर्स की हेल्प से। ये देखिए, इस तरह से आपको पेपर्स को क्रम्पल करना है, अपने पाम पे रखना है और रोल करना है। इसकी छोटी छोटी बॉल्स आपको बना करके कलेक्ट कर लेनी है। तीनों कलर्स की बॉल्स रेडी हैं। अब हम सर्कल्स के अंदर फेविकॉल अप्लाई करेंगे इस तरह से। एक एक पेपर बॉल को उठाना है और उसे स्टिक करते जाना है सर्कल के अंदर। ध्यान रहे, ये बॉल्स पास पास आपको स्टिक करनी है, सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब मैं एक्टिविटी को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये आप धीरे धीरे करें। ये हमारी रेड लाइट रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है येलो लाइट में येलो बॉल्स को स्टिक करने की। अब हम एक एक येलो बॉल उठा करके उसे स्टिक करते जाएंगे जैसे हमने पहले किया था। ये हो गई हमारी येलो लाइट। उसके बाद आती है ग्रीन लाइट। इसी तरह से हम ग्रीन लाइट को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारी ट्रैफिक लाइट्स रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब लिखते हैं रेड लाइट मींस स्टॉप, STOP, स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकना है। येलो लाइट सेज स्लो डाउन, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लो, SLOW। एंड ग्रीन लाइट सेज गो, GO गो। तो बच्चों अब आपकी बारी। बाय बाय।